नमस्ते। हमारा आज का लेक्चर वाटर पॉल्यूशन पर फोकस्ड रहेगा, जहाँ पर हम बेसिकली वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, इसके सोर्सेज क्या हैं और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इनको हम देखेंगे। देखो, वाटर की अवेलेबिलिटी के बारे में मैं पहले ही आपको क्लास में बता चुका हूँ कि बहुत कम वाटर का फ्रैक्शन है जो कि फ्रेश वाटर के तौर पर हमारे लिए अवेलेबल है। ठीक है, आप जानते हो कि 97% के करीब तो ये समुद्र के अंदर है पानी, खारा पानी, हमारे किसी काम का नहीं। उसमें भी जो बाकी 3% बच जाता है फ्रेश वाटर, उसका भी बहुत कम हिस्सा अवेलेबल होता है हमारे लिए, 0.1%। ठीक है, बाकी सारा ग्लेशियर्स के तौर पर मौजूद है या फिर पोलर रीजन में पोलर आइस के तौर मौजूद है। तो हमारे लिए बहुत कम है जो सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर के तौर पर मौजूद पानी है, और उसको भी हम क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट करते चले जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉल्यूशन के सोर्सेज हैं, जैसे इंडस्ट्रियल सोर्सेज हैं, इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल हैं, एग्रीकल्चर से बहुत सारा रन ऑफ आता है। आप जानते हो एग्रीकल्चर में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, उसके अलावा बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर में, मैलाथियन, पैराथियन, इस तरह के, जो कि बहुत ही ख़तरनाक पेस्टिसाइड्स हैं और कई बार फूड चेन का भी हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा डोमेस्टिक सेक्टर से आने वाला सुवेज, ये भी एक बड़ा सोर्स है। ठीक है, जो लोग कचरा फेंकते हैं यहाँ वहाँ, उसको भी अल्टीमेटली जाकर के वो वाटर को पॉल्यूट करता है। जैसे मान लो किसी जगह पर ओपन डंपिंग साइट है, वहाँ बारिश हुई, तो बारिश होने के बाद क्या होगा, वो सारा का सारा जो रन ऑफ वाटर होगा वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वाटर बॉडी में जाएगा, जिस भी वाटर बॉडी का वो आपके लो कैचमेंट एरिया में फॉल करता होगा, जिस या फिर किसी रिवर के बेसिन में होगा वो, तो उस रिवर तक लेकर के जाएगा वो पूरे के पूरे कचरे को। तो इस वजह से भी वाटर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, डोमेस्टिक सेक्टर से, इंडस्ट्रियल सेक्टर से और एग्रीकल्चरल सेक्टर से, ये तीन मेजर सेक्टर्स हैं जहाँ से वाटर पॉल्यूशन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर हम सोर्सेज की बात करें वाटर पॉल्यूशन के, तो ये पॉइंट सोर्सेज हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, या नॉन पॉइंट सोर्स हो सकते हैं। ठीक है, पॉइंट सोर्स कौन से हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से पॉल्यूशन निकल रहा हो, सो बोलेंगे पॉइंट सोर्स। जैसे कोई इफ्लुएंट निकल रहा है किसी फैक्ट्री से, किसी इंडस्ट्री से, तो हम बोलेंगे कि ये पॉइंट सोर्स है पॉल्यूशन का। इसी तरह जो सुवेज डिस्चार्ज हो रहा है, सुवेज आउटलेट जो है मल्टीपल एरिया म्यूनिसिपल एरिया का, वो हम कहेंगे कि ये एक पॉइंट सोर्स है। ठीक है, नॉन पॉइंट सोर्स कौन से हैं, जहाँ पर इनफ्लो ऑफ पॉल्यूटेंट्स अकर्स ओवर अ लार्ज एरिया। फॉर एग्जाम्पल सिटी स्टॉर्म वाटर, जो सिटी स्टॉर्म वाटर का फ्लो होता है, जो बारिश होने के बाद पानी बह करके जाता है, वो एग्रीकल्चरल रन ऑफ। ठीक है, एग्रीकल्चरल फील्ड में जो इरिगेशन में पानी यूज़ हो रहा है, तो कुछ हद तक तो पानी यूज़ होता है, बाकी अगर आप देखो तो बहुत सारा, अगर मान लो इनंडेशन करके पानी को वहाँ पर किया जा रहा है एग्रीकल्चर में इरिगेशन के पर्पज़ में, तो क्या होगा, बाकी पानी जो है वो कहीं ना कहीं रन ऑफ होकर के जाएगा। ठीक है, तो पूरे एरिया को जहाँ से वो जा रहा है रन ऑफ होते हुए, उसके सॉइल को तो पॉल्यूट करेगा ही, और अल्टीमेटली वो पानी जहाँ पहुँचेगा वहाँ पर उस वाटर बॉडी को भी पॉल्यूट करेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शनल सेडिमेंट्स भी एग्जाम्पल है नॉन पॉइंट सोर्स के। ठीक है, वाटर पॉल्यूटेंट्स का नेचर तीन तरह का हो सकता है बेसिकली। ये बायोलॉजिकल हो सकते हैं, जैसे पैथोजेंस, जो बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु हैं, विषाणु हैं, प्रोटोजोआ हैं, ठीक है, एल्गी है, एल्मिंथीज है। इसके अलावा केमिकल्स हैं, ऑर्गेनिक हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर हैवी मेटल्स हो सकते हैं, जो मेटल हैं जैसे आर्सेनिक, लेड, कैडमियम, मर्करी, एट्सेट्रा। और ये फिजिकल हो सकता है, जैसे हॉट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज़ या ऑयल स्पिल्स। ठीक है, अब देखो आपके सिलेबस में एक लिखा हुआ है थर्मल पॉल्यूशन। ठीक है, तो जो थर्मल पॉल्यूशन है वो एक फिजिकल फॉर्म ऑफ वाटर पॉल्यूशन है, जहाँ पर हीट इन्वॉल्व है, टेम्परेचर इन्वॉल्व है। ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये ऑयल स्पिल का एक फिगर है, जहाँ पर आप देख रहे हो कि अरबेन सी में एक एक्सीडेंट हुआ था, और वहाँ पर ये शिप जो है वो पलट गई, और उसके अंदर से बहुत सारा ऑयल सरफेस पर जा गिरा,
और वो फिर पूरे के पूरे वाटर के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। वहाँ पर जो भी फिश है और बाकी जो फ्लोरा एंड फौना है उनको ये नुकसान पहुंचाता है। देखो, वाटर पॉल्यूटेंट्स को अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो इनको हम 8 डिफरेंट कैटेगरीज में रख सकते हैं। ठीक है, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको शेयर भी करूंगा, वहाँ आप डिटेल में पढ़ लेना। पहला है सेडिमेंट्स, जो सेडिमेंटेशन के वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है इसको बोलेंगे सेडिमेंट पॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा है सुवेज पॉल्यूशन। सुवेज क्या है? जो लिक्विड वेस्ट निकलता है डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ से, जैसे बाथरूम, किचन, टॉयलेट एक्सेट्रा। ठीक है, और वो फिर जाता है आसपास के किसी वाटर बॉडी में, जैसे रिवर में। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करो तो वाराणसी या फिर इलाहाबाद यानी प्रयागराज, तो गंगा रिवर में अक्सर सुवेज जाता है। उससे पहले उसे ट्रीट किया जाता है सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर, और आफ्टर द ट्रीटमेंट उनको जो इफ्लुएंट निकलता है उसको हम वाटर बॉडी में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, देखो सुवेज एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको हम बोलते हैं एनरिचमेंट एंड ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पर आपको दिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, यूट्रोफिकेशन एक प्रोसेस होती है, और यूट्रोफिकेशन मतलब न्यूट्रिएंट्स का पानी में बढ़ जाना। ठीक है, और इसकी वजह से सीवेज के भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसमें ज़्यादा, तो उसके अलावा आपके जो फॉस्फेट्स नाइट्रेट्स भी हैं बढ़ जाते हैं जब, तो इसकी वजह से वाटर बॉडी के अंदर क्या होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स का काम जो करते हैं ना, नाइट्रेट्स फॉस्फेट्स, तो ये न्यूट्रिएंट्स बढ़ने से एल्गी की ग्रोथ बढ़ जाती है। और एल्गी जब ज़्यादा ग्रो करती है तो उस टाइम पर क्या होगा, वो वाटर के अंदर एल्गी जो है वो क्या करेगी, फ्लरिश कर जाएगी, बिकॉज न्यूट्रिएंट्स आर मोर। और जैसे ही न्यूट्रिएंट्स कम होने लग जाएंगे वो एल्गी धीरे धीरे मरने लग जाएगी, और जब एल्गी मरेगी तो वो ऑर्गेनिक मैटर के तौर पर वाटर बॉडी में आ जाती है, और फिर वहाँ पर बैक्टीरिया आ जाते हैं उस एल्गी को डिकम्पोज करने के लिए। ठीक है, और उस प्रोसेस में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, बिकॉज बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो एनरिचमेंट एंड ऑक्सीजन डिमांड का प्रोसेस जो है वो बढ़ जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं किसी वाटर बॉडी में। यूट्रोफिकेशन एक ज़रूरी नहीं है कि सीवेज की वजह से ही हो, बट हाँ, सीवेज पोल्यूशन की वजह से ये थोड़ा सा एनहांस हो सकता है। ठीक है, तीसरा कैटेगरी है डिजीज कॉजिंग एजेंट। हमने पहले भी देखा पैथोजेंसिस के अंदर आएंगे, जो डिफरेंट बीमारियाँ कॉज करते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, बहुत सारे और पैरासाइट्स। ठीक है, और कुछ वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं जो होती हैं, जैसे टाइफॉइड, कालरा, डिसेंट्री, पोलियो। ठीक है, हेपेटाइटिस के कुछ एक केसेस, तो ये वाटर बॉर्न डिजीजेस हो सकते हैं, वाटर के कारण हो सकते हैं, अगर आप ऐसा पानी पी रहे हैं जो कि साफ नहीं है। ठीक है, फोर्थ इज इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसमें फर्टिलाइजर रन ऑफ होंगे जो कि एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल लैंड से आ रहे हों। ठीक है, और अगेन यहाँ पर जब फर्टिलाइजर आ रहा है, ये इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो आ रहे हैं, तो जब मैं अभी यूट्रोफिकेशन बता रहा था उस प्रोसेस को ये क्रिएट करते हैं, इसको एल्गल ब्लूम बोलेंगे। एल्गल ब्लूम एक यू नो यूट्रोफिकेशन का एक पार्ट है, और यहाँ पर क्या होता है, एक्सेस ग्रोथ ऑफ एल्गी हो जाती है, और फिर ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होने की वजह से जो अंदर मछलियाँ हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए, यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए, तो वो मछलियाँ जो हैं वो मरने लग जाती हैं। और कई बार आप देखते होंगे कि कुछ एक वाटर बॉडीज़ में मछलियाँ किनारों पर मरी हुई पाई गई, तो क्या वो तो और भी कारणों से हो सकता है, कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं, बट ये भी एक रीज़न होता है उसके पीछे। ठीक है, आगे चलते हैं। फिफ्थ इज इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है, इंडस्ट्रीज से जो वाटर निकल के आ रहा है, वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर मतलब जो पानी यूज़ किया गया इंडस्ट्रियल प्रोसेस में और उसके बाद रिलीज़ होता है। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत किस्म के पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे भारत की बहुत सारी नदियां हैं जो कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से दुनिया की टॉप 10 नदियों में भी कई बार पॉल्यूशन के लेवल पर भारत आता है। अभी अगेन जो लॉकडाउन वाली सिचुएशन है, या फिर COVID-19 का जो आउटब्रेक है, तो उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन में, और ख़ास तौर पर जो रिवर के पोल्यूशन है उनमें भी कमी देखने को मिली है, ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट की, क्योंकि इंडस्ट्रीज ज़्यादातर बंद थी काफ़ी दिनों तक, या फिर बहुत कम ही थी जो ऑपरेशनल थी, और उसकी वजह से
गंगा और यमुना जैसी नदियाँ काफ़ी साफ हैं, ऐसा रिपोर्ट किया गया पिछले कुछ दिनों में CPCB के द्वारा। हालांकि फीकल कोलीफॉर्म का लेवल थोड़ा ज़्यादा था, बिकॉज़ सीवेज का जो इनफ्लो है या उसके अंदर वो ज़्यादा था। सिक्स्थ कैटेगरी इज़ ऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिकल्स जो आ रहे हैं, जो ऑर्गेनिक नेचर, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गया, सॉल्वेंट्स हो गए, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो गए। ठीक है, और ये म्यूटेशन जैसी कुछ एक चीज़ें कॉज कर सकते हैं, कुछ और बीमारियां कॉज कर सकते हैं, बर्थ डिफेक्ट कॉज कर सकते हैं ये। सेवन्थ है इनऑर्गेनिक केमिकल्स, इसमें बहुत सारे मेटल्स आएंगे। ठीक है, जैसे मरकरी है एक इनऑर्गेनिक केमिकल, अभी हम आगे देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस भी आ सकते हैं यहाँ पर। अब थोड़ा देखते हैं कि इफ़ेक्ट क्या होगा वाटर पॉल्यूशन का। तो देखो, वाटर पॉल्यूटेंट्स जो है वो एडवर्सली इफ़ेक्ट कर सकते हैं फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के, किसके, एक्वेटिक इकोसिस्टम के। ठीक है, और ग्राउंड वाटर के जो क्वालिटी है उसको भी ये अल्टर कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, इससे होगा क्या, एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या प्रभाव पड़ेंगे वाटर पोल्यूशन के। DO, डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट, ये कम हो जाएगा। ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट क्या है, ये क्यों चाहिए, ये जो भी एनिमल्स हैं उनको सांस लेने के लिए, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो एनिमल्स हैं उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए होती है। जैसे हमें एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, उन्हें पानी के अंदर चाहिए, तो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है पानी के अंदर। ठीक है, अगर पॉल्यूशन है कहीं पर तो वो DO जो कंटेंट है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट है, वो कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है कि अगर 8 मिलीग्राम पर लीटर से कम है तो हम बोलेंगे कि ये वाटर बॉडी क्या है, पॉल्यूशन की तरफ जा रही है, पॉल्यूशन कंटेमिनेटेड है। लेकिन अगर 4 मिलीग्राम से भी कम हो जाती है, 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाती है, तो हम बोलेंगे कि दिस वाटर बॉडी इज़ हैवीली पॉल्यूटेड। ठीक है, डीओ कंटेंट जो है वाटर का, वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखो कैसे आता है ये DO, सरफेस टर्बुलेंस की वजह से आएगा, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ की वजह से आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय ऑर्गेनिजम्स एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ DO प्रेजेंट इन द वाटर। ठीक है, फिर आता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। BOD, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, BOD है क्या, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड। ठीक है, अमाउंट ऑक्सीजन की जो कंज्यूम कर ली जाएगी, इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन द 1 लीटर ऑफ वाटर ऑक्सीडाइज बाय बैक्टीरिया। देखो, इस बात को ध्यान से समझते हैं एक बार, क्या कह रहे हैं, BOD किसे कह रहे हैं, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज बाय बैक्टीरिया। ऑक्सीजन का अमाउंट, ठीक है, जो चाहिए होगा 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर मौजूद ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा। ठीक है, और अभी मैं बता रहा था कि सीवेज अगर है वाटर के अंदर तो BOD बढ़ जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट है उसके अंदर, और इसीलिए सीवेज को हमें ट्रीट करना पड़ता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर, BOD को कम करने के लिए। ठीक है, देखो, BOD अगर ज्यादा है तो पॉल्यूटिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर किसी वाटर बॉडी का BOD ज़्यादा है तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वो पॉल्यूटेड वाटर बॉडी है, और ख़ास तौर पे किस तरह का पॉल्यूटेंट वहाँ पर है, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट वहाँ ज़्यादा है। फिर इसी तरह है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, CO2। अब ये कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, ये है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये एक और मेजर है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो भी मटेरियल है, मैं आपको जब वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ा रहा था तो उस टाइम बताया था कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर हम दोनों को कंबाइन करके,
बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों को कंबाइन करके बताते हैं, ठीक है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद जब हम ऑक्सीजन डिमांड को कैलकुलेट करते हैं, यानी केमिकली किसी मैटर को डिकम्पोज करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो वह केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। और ये COD जो होता है वो हमेशा BOD से ज़्यादा होगा, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ पे बात करें अगर वाटर पोल्यूशन की, तो मैंने पहले बताया कि कुछ वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं जो कॉज करते हैं पानी के अंदर रहने वाले कुछ पैरासाइट्स, कुछ बैक्टीरिया, जैसे जॉन्डिस, कॉलरा, टाइफॉइड, ठीक है। अमीबियोसिस अमीबा से होता है, टाइफॉइड एक बैक्टीरिया से होता है, कॉलरा भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, जॉन्डिस एक वायरल डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। तो सच कंटामिनेशन मे मेक द वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड स्विमिंग एंड इवन फॉर इरीगेशन, ठीक है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इन सभी सेक्टर्स में भी जो पानी यूज़ होता है वो साफ